Hello student, today I am going to solve more questions on this criteria SAS. Next question is, question देखिए question क्या है. Suppose line segment AB and CD intersect at point O in such a way that AO is equal to OD and OB is equal to OC. OB equal to OC. Prove that AC is equal to BD. AC is equal to BD. But AC is not parallel to BD. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है, देखिए कि एक लाइन आपने ये खींच दी, ये ठीक है, और एक लाइन ये, एक ये है एक ये है. ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. ओके, अब इसको इसको ज्वाइन कर दिया जाए, इसको इसको ज्वाइन कर दिया जाए. अब हमें शो करना है कि क्या कहते हैं कि AC इज इक्वल टू BD. ये हमें शो करना है. गिवन क्या है कि AB एंड CD इंटरसेक्ट ओ, OA इज इक्वल टू OD. OA इज इक्वल टू OD. दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल. और दूसरा क्या दिया, OB इज इक्वल टू OC. इट मींस दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल. ठीक है, तो अब हम क्या करें प्रूफ में, देखिए ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल बीओडी. ये दो ट्रायंगल ले लिए. अब इनमें देखिए क्या क्या हमें मालूम है. एक तो ये मालूम है ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब OA इज इक्वल टू OC, सॉरी OC OA इज इक्वल टू OD, और ये इक्वल है. ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC. और ये देखिए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. इसको अगर आप 1-2 कर दें, ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये दोनों गिवन है. अब देखिए साइड एंगल में मैंने पहले ही बताया है कि क्या एंगल कैसा होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए. तो यहाँ इन दोनों साइड्स के बीच में ये इंक्लूड है, इन दोनों साइड्स के बीच में ये इंक्लूड है. इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल AOC इज कांगुरेंट टू ट्रायंगल BOD बाय SAS. अब ये दोनों अगर कांगुरेंट हो गए तो इससे आप ये बता सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD बाय CP CT. बोल सकते हैं. अब हमको ये दिखाना है कि AB AC और BD पैरेलल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है बट AC may not be parallel to BD. ये हमें शो करना है कि AC जो है वो BD पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मे नॉट का मतलब ही यही है, ये पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. अब यहाँ देखिए तो आपको ये पता है कि एंगल ओ ए सी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ओ ए सी और ओ डी बी एंगल
ODB इक्वल होगा। इसी तरह एंगल OCA एंगल OCA इक्वल टू एंगल OBD एंगल OBD। अब देखिए ये क्या है, ये दो लाइंस हैं, ठीक है, उन पर ये ट्रांसवर्सल्स हैं, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं पैरेलल हो है तो क्या कहते हैं इनका ट्रांसवर्स, ये दो लाइन पैरेलल हैं कि नहीं है, ये ट्रांसवर्सल से देखिए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये कौन से एंगल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है और ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। तो ये दोनों कौन से एंगल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। अगर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इसका मतलब ए सी इज पैरेलल टू बी डी। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी इज द लाइन सेगमेंट, ए बी इज द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल एंड लाइन एल एंड लाइन एल इज परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन एल इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज द लाइन एल इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इफ अ पॉइंट पी, इफ अ पॉइंट पी, इफ अ पॉइंट पी lies on L, lies on L, L, show that P is equidistant from A and B, from A and B। अब देखिए सबसे पहले फिगर क्लियर कर दिया जाए आप लोगों को, ठीक है। तो फिगर के लिए हम यहाँ बना रहे हैं ए, ये देखिए, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है, उस पर ये लाइन है, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये है ए बी, ठीक है। और ये बाइसेक्टर है सी। अब इस पर ये लाइन L है, ये जो है लाइन L है, इस पर एक पॉइंट P यहाँ पे है, एक पॉइंट P यहाँ पर है। आपको ये दिखाना है P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, मतलब ये और ये अगर इक्वल हो जाए तो ये और ये P जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल राइट एंगल होंगे। अब देखिए प्रूफ में देखिए कैसे ले लेते हैं कि ट्रायंगल ए पी सी, ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी, बी पी सी क्या होगा कि ये दिखाएं हम पहले कि ये बाइसेक्टर है तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये दिखा दें एंगल पी सी ए, एंगल पी सी ए एंड पी सी बी, एंगल पी सी बी ये इक्वल है, क्यों, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, पी सी जो है ये कॉमन लाइन है दोनों में, पी सी इक्वल टू पी सी कॉमन लाइन है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि क्या क्या आपको मिल गया, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड,
साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल ए पी सी इज कांगोरेंट टू ट्राइंगल बी पी सी बाई एस ए एस। जब ये कांगोरेंट हो गया तो बाई सी पी सी टी ए पी इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी बाई सी पी सी टी, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P जो है A और B से इक्वल डिस्टेंस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, आप लोग उसको सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहले फिगर बना दे, ठीक है। फिगर देखिए क्या है, ए ये है फिगर ये, ठीक है, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये क्या है, पी क्यू आर एस। अब इसका ये डायगोनल खींच दीजिए, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, द गिवन फिगर पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, देखिए ये दिया है, ठीक है। एंड एंड एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी। ओके, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट कि ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस इज कांगुरेंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर, ट्राइंगल क्यू पी आर। ये आपको प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है कि पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस एंड एंगल क्यू, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, ये प्रूफ करना है। अब देखिए क्या क्या गिवेन है, सबसे पहले आपको पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, पी एस ये साइड और ये साइड क्यू आर इक्वल। दूसरी चीज क्या है, एस पी क्यू, एस पी क्यू मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। आर क्यू पी, आर क्यू पी मतलब ये पूरा एंगल, ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है ना। अब ये दिखा दें हम कि ये ट्रायंगल, ये बीच, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल कांगुरेंट हो जाए, अगर ये कांगुरेंट हो जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि ये अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा कि पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। और अगर ये दोनों क्या कहते हैं कांगुरेंट है और ये दोनों लाइन इक्वल है तो आपका जो एंगल दिखाना है क्यू पी आर, क्यू पी आर मतलब ये एंगल और क्यू पी क्यू एस, पी पी क्यू एस ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए प्रूफ देखिए, प्रूफ में हमने क्या लिया है, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू पी आर, इसमें हमको क्या दिया है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। दूसरी चीज ये दी हुई है कि एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, ये गिवन है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ट्रायंगल इसको बेस मान लीजिए, पी क्यू को बेस मानकर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को इस तरफ से देखें तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हो जाएंगे, तो इसका मतलब पी क्यू क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो साइड पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन है,
अब क्या हो गया, ट्राइंगल पी क्यू एस इज कांगुरेंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर। देख लीजिए, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो दोनों क्या हो गए, साइड एंगल, साइड एंगल साइड से क्या हो गए, कांगुरेंट हो गए। अब देखिए, जब ये दोनों ट्राइंगल कांगुरेंट हो गए तो पी आर इज इक्वल टू क्यू एस हो गया, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। और ये एंगल देखिए, इस ट्राइंगल में ये एंगल क्यू पी आर, यही दिखाना है ना, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू इस ट्राइंगल में, देखिए इस ट्राइंगल में पी क्यू एस, पी क्यू एस ये भी इक्वल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गए, बाई सी पी सी टी। ओके बेटा, अब इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास जो बुक हो उसको भी सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसको मुझसे पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।